कैब गैंग सोचो तुम एक गेम में उतर रहे हो और उतरते ही तुम्हारे सामने एक तरफ मॉर्टल खड़ा और एक तरफ जोनाथन खड़ा है और उनकी स्क्वाड आपस में लड़ रही है और तुम वहां पर टीपी पे ले रहे हो, तो तुम उनको थर्ड पार्टी करोगे या फिर पार्टी करोगे? तो आज हम ऐसे स्ट्रीमर बैटल्स देखेंगे उठा करके जो कि बहुत इंटेंस होने वाले हैं। और हमारे ये क्या चल रहा है, ये सारे एक्सूट किसको बचाने आ रहे हैं भाई? हेलो व्हाट्स गोइंग ऑन भाई, आप रो क्यों रहे हो और ये चारों आपको सिंपैथी क्यों दे रहे हैं? आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है। क्या सीन है ये? फास्टेस्ट रिएक्शन एवर भाई, क्या करने वाले हो आप? ओके, ये अनएक्सपेक्टेड था थोड़ा सा, वो जो उड़ती बाइक पे बंदे को मारा उठा करके। एनीवेज बड़े बड़े रैंगल में ऐसा होता है, तभी चलती गाड़ी से कारल मारने चालू करी, वहां से सामने बंदा उतरा है, डैम गाड़ी ही फोड़ दी। वो क्या पर एक प्लेयर आया महंगी वाली एडब्ल्यू लेके और एम से अभी फिनिश हो जाता है ये। क्या 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 क्या, अरे कर ये क्या है, सेंस भी नहीं था इसका। तो तुम ग्रेनेड अपने नीचे फेंक के ये, और ये क्या है? वैसे मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, ये एक्चुअली में ग्लिच आज का नहीं है, ये ग्लिच 2-2.5 साल पुराना है, जब लास्ट टाइम विंटर मोड आया था, बहुत लाइक फर्स्ट टाइम जब विंटर मोड आया था ना, सीजन 9 में या सीजन 8 में, पता नहीं जब आर्टिक विच सेट आया था, तो तब भी ये सेम ग्लिच मेरे साथ हो रहा था। तो प्रॉब्ली वही सेम ग्लिच है जिसमें टांगे और बॉडी गायब हो जाती है। यहाँ पर एक प्लेयर घर बना ले नुबड़ी के, यहीं पर ही बस जा, यहीं शादी करके पैदा कर ले बच्चे। क्या कर रहा है ये? अभी दीवार तोड़ के ऊपर जा रहा है। ये चीजें यार मत दिखाया करो यार, ये गलत चीज है यार, तुम ऐसे चीज गंदी गंदी चीजें तुम दिखा दोगे लोगों को तो सब लोग यूज करना शुरू कर देंगे। ग्रेनेड आया, एक और ग्रेनेड आया। अरे ये ग्रेनेड डैमेज नहीं देता है यार, आज के टाइम में क्या हो गया है यार, ये तो बहुत ही ब्रोकन चीज है भाई। सोचो तुम्हें अपार्टमेंट के ऊपर जाना है, अपनी नीचे ग्रेनेड फेंको और आसमान में उड़ जाओ स्केटबोर्ड यूज करके, गलत ये चीज है यार, पता नहीं बंदों को डैमेज पड़ना चाहिए। और ये ग्लिच नया नहीं है, बहुत पुराना है, ये भी बहुत पहले से होता आ रहा है। न्यू प्लेयर्स आर नॉर्मल क्लोथ्स, ओके। ये सीजन 3 की मैक्स आरपी कपड़े भाई, भालू वाले आउटफिट तुम्हें पता नहीं है, बहुत ओपी वाली है, मेरी फेवरेट थी एक टाइम पे। हाँ भाई मेरी फेवरेट थी भाई मेरी। तो क्या पर एक प्लेयर आया महंगी वाली गॉडज़िला लेके आ रहा है। एंड देख मी यार, क्या कर रहा वो एक्शन करके चला गया भाई, भाई भाई का डर देख रहे हो? ये एडिट क्यों लग रहा है मुझे? ये एडिट लग रहा है दोस्त मेरे को, आई डोंट थिंक सो, छोड़ के गए, आई थिंक सो एडिट कर दिया उसने, पता नहीं क्या बात कर रहे हो, पूरी स्क्वाड छोड़ गई। इतना डर अपने को भी लगता है भाई, लॉबी में लोग नाम पढ़ के गायब हो जाए हमारे मेरा नाम पढ़ के लॉबी में लोग सोचते अरे फ्री का किल, वो अलग बात है मार नहीं पाते। आज के टाइम में बहुत सारे प्लेयर्स का क्लोजिंग बहुत अच्छा हो गया, लाइक स्पेशली टीडीएम की वजह से ना, टीडीएम ने गेम चेंज किया, एक्चुअली में बहुत ज्यादा गेम चेंज किया है। पबजी ने जब टीडीएम इंट्रोड्यूस किया ना, उसके बाद बहुत सारे प्लेयर्स का क्लोजिंग बहुत ज्यादा ही अच्छा हो गया, एट दिस पॉइंट तो लोग हैकर की तरह क्लोज मार रहे हैं। ये जो लेफ्ट पे है ना ये हरा वाला, ये वो क्या भाई प्लेयर आया पबजी के अंदर, सामने प्लेयर भाग के जा रहा है, उसको नॉक कैसे नहीं हुआ? ओके एक सेकेंड, वो बग्गी से उड़ा नॉक नहीं हुआ और पूरी तरीके से बॉडी शॉट खा के मरा M24 से। सीजन 9 सीजन 2 सीजन 3 सबसे बेस्ट, स्पेशली सीजन 9 ने तो गेम चेंज किया था भाई, उसकी निंजा वाली आउटफिट तुम्हें पता होगी भाई, वो अलग लेवल की थी। ये क्या कर रहे हो भाई आप, ये आसमान में कूद रहा है, आएगी इसको नया अपडेट होगा भाई, इन लोगों का कोई भी अपडेट आते हैं यू नो गेम फॉर पीस में। ओके ग्रोसा से एक बंदे को नॉक करो, दूसरा ले रहा है दूसरा बंदा नॉक, लेट्स गो भाई, फुल स्पीड में बंदा पेलम पाली कर रहा है, यहां पर उठाकर नंबर डिलीट कर दिया, लेट्स गो बॉय। ओ
अरे भाई 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 नॉट बैड नॉट बैड, मजा आया। अब क्या है हमारी पहली बैट निकल के आ रही है फिट्स भैया की स्ट्रीमर्स के अगेंस्ट, जहां पर एक बंदे को नॉक कर रहा है वेक्टर से भाई ने और हेल्थकेयर मारा राइट साइड, तो कोई तो M762 मारने की फुल ट्राई कर रहा है, वो फुल मजे लेने की कोशिश कर रहा है राइट साइड से, मगर उसे एक आप पता था फिट्स भैया नीचे आगे वेक्टर लेकर के। एक्चुअली में वेक्टर बहुत अंडररेटेड है, लाइक जिन लोगों को वेक्टर की ताकत पता है ना उन्हें पता होगा वेक्टर एक टाइम पे बहुत बाप गन होती थी, वो तो इन्होंने नर्फ कर दिया, उसकी गोलियां चेंज कर दी, बट बिफोर अपडेट ना बिफोर पैच जब वेक्टर पुरानी थी भाई, वो वेक्टर का कोई कॉम्पिटिशन नहीं आज के टाइम में भी, ये तो मतलब छूते ही गायब कर दी थी प्लेयर्स को। अच्छा ये स्ट्रीमर हमारा फंसा है यहाँ पर इसके अगेंस्ट, फिट्स के अगेंस्ट। डिडालू इतना हीलिंग पूरी स्क्वाड को ही उड़ा देगा, फिर से बता रहा हूँ। विद रितुन बॉ, रितुन बॉ मैंने GTA 6 का ट्रेलर भी आ गया है जस्ट इन केस आपको बताना हो तो। तो भाई तीन बंदे नॉक कर दिए फिट्स ने, आखिरी प्लेयर बेचारा यहां रिवाइव दे रहा है, फिट्स बाहर था के मारने वाला है। अरे डिलीट कर दिया 1v4 भाई, 1v4 भाई गिले मान टॉप लो फिट नहीं गए, इट्स ओके फिट से होता रहता है, वो फिट नहीं गए यूट्यूबर तू। हो गया बस थॉमसन लेकर के एक बंदे को नॉक करा, खुल गया भाग रहा पार्टी करने निकला हुआ दोस्त हमारा। आधे आधे लोग ना पार्क समझ लेते हैं सब्जी को, गार्डन देखते घूमने निकल जाते हैं, यहाँ गोलियां पड़ती हैं तो। ओ भाई साहब DBS लेकर के, बट HP नहीं है भाई पे, भाई इसके अगेंस्ट फाइट है यहाँ पर। ओके ये बंदा राइट साइड से घुस के आ रहा है, एक तो फिट हमेशा यू नो सोलो से स्क्वाड ही खेलता, मैंने कभी इसको डुओ देखा, डुओ से स्क्वाड खेलते देखा, बट चार बंदों के साथ तो रेयरली कभी देखा होगा मैंने। ये बंदा अकेला घुस के मारने भरोसा रखता है, इस लाइक अरे मेरे को टीममेट नहीं चाहिए, वो लायबिलिटी है, वो मेरी पोजीशन दे देंगे और उनको रिवाइव कौन ही दे नौकरी को, वो तो नॉक हो जाएंगे यू नो, अब उनको कोई नहीं चाहिए। अरे बाय बाय DBS फिट्स के पास भी थी। हाँ ओ एक प्लेयर सामने से भाग के आ रहा है, लेकिन उसे का पता था कि फिट भैया TPC ले रहे हैं और DBS के साथ ले रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते यार तुम DBS के अगेंस्ट। ये बंदे भी DBS थे लेकिन इस पे HP नहीं थे और DBS की एक गोली वैसे फुल HP भी होती तो मतलब यू नो वो इसको तब भी मार ही देता। DBS का ऐसा सीन है अगर दो DBS प्लेयर है जिसने पहले गोली चलाई वो जीत गया यार। डिलीट कर दिया भाई 1v4 भाई। हो गया एक और फिट्स की निकल के आ रही है फाइट्स, ये है हमारी यास्ना या पनीर लाना में। ओह अरे अरे स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे पबजी का चैन भाई भाई भाई, कूद के आ रहा है नूपड़ी का आसमान। अरे भाई साहब ये साइड में स्पाइडरमैन है क्या, कूदम कादी करके आ रहा है भाई, वो इतना एक्साइटेड है लड़ने के लिए, वो इतना जोश में इतना एक्साइटेड है लड़ने के लिए नूपड़ी का, क्यों ध्यान ही नहीं दे रहा है, इट्स लाइक अरे ऐसी तैसी। अरे अरे ये बिचारी का POV देख लो, यहाँ पर दो बंदों को तोड़ा दिया, तीसरा प्लेयर भाग के आ रहा है अपने प्लेयर्स को रिवाइव देने के लिए, वो कह रहा होगा अरे अरे मैं आऊंगा बचाने, लेकिन फिट्स भैया ने सरप्राइज कर दिया भाई, बहुत लो है वो, बहुत ज्यादा ही लो है भाई। वाओ ओके एक और बंदा नॉक, आखिरी प्लेयर लाए हैं, फिट्स का HP मार दीजिए, लेकिन फिट्स बिना HP के तो रश कर रहा है और बंदे को 1 HP करके छोड़ा है। अरे 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 वाओ भाई ये गलत बंदी फोड़ता भाई, मजा अक्सर अटके फिट्स जो नीचे कूदा ना ऊपर से उसने पूरा बहुत जज्बा जिंदगी बदल दिया भाई। अरे अरे भाई अकेले मार रहा था भाई, और इसकी HP सही में 1 ही थी भाई, ये रास्ते में खत्म हो जाता। तो क्या ये तो तुम्हारे स्ट्रीमर मूवमेंट्स, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना भाई क्या तुम कभी किसी स्ट्रीमर से 1v1 बैटल किया है। टिकट वगैरह टाइम मिलेंगे कल भी तो ब्रांड न्यू वीडियो, बाय बाय एंड पीस आउट। लेडीज एंड जेंटलमैन कैन आई प्लीज हैव योर अटेंशन ऑल ऑफ यू टू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग एंड लिसन।